दोस्तों, हिंदू धर्म में सर्प पूजनीय माने गए हैं। इनकी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। नागों को समर्पित नाग पंचमी का त्यौहार भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा का विधान है। क्रिएटिव सनातन की इस वीडियो में हम आज आपको नाग पंचमी का पौराणिक व धार्मिक महत्व और पूजा विधि बताएंगे। नाग पंचमी हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ती है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। इन अष्ट नागों में अनंतनाग, वासुकी नाग, पद्मनाग, महापद्मनाग, तक्षक नाग, कुलीर, करकट, शंखनाग, कालियानाग और पिंगल नाग हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक माने जाते हैं। कई चित्रों में भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे देखा जाता है। वो माता कदरू के प्रथम और सबसे पराक्रमी पुत्र हैं। कश्मीर का अनंतनाग जिला इनका गढ़ माना जाता है। माना जाता है कि शेषनाग के हजार मस्तक होने के चलते इन्हें अनंत नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने धरती के बोझ को अपने फन पर उठाया हुआ है। आइए आज जानते हैं कौन है शेषनाग और क्यों है ये सब नागों में सबसे महत्वपूर्ण। हिंदू धर्म में शेषनाग को लेकर कई मान्यताएं हैं। धर्म ग्रंथों में कहीं उन्हें भगवान विष्णु की शैया बनने का वर्णन है, तो कहीं उनके साथ अवतार लेने का। इन सारी बातों को शुरुआत से समझते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां थी, कदरू और विनीता। कदरू से नागों की उत्पत्ति हुई और विनीता से पक्षियों की। माना जाता है कि देवी कदरू ने 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने की कामना की थी। इनमें उन्होंने सबसे पहले जिस पुत्र को जन्म दिया उन्हीं का नाम शेषनाग है। शेषनाग देवी कदरू के सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी पुत्र हैं। 1000 नागों को जन्म देने के कारण देवी कदरू को नागा माता के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक शेषनाग की माता कदरू ने उनकी सौतेली माँ विनीता से ईर्ष्या के चलते छल किया था। इससे शेषनाग को काफी दुख पहुंचा और वो संसार से विरक्त हो गए, जिसके बाद उन्होंने गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने का फैसला किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। हालांकि बाद में उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनने का निर्णय लिया, जिसके बाद पृथ्वी के नीचे यानी जललोक में चले गए। उनके बाद उनके छोटे भाई वासुकी को पाताल लोक का राजा बना दिया गया। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ा और वासुकी के बाद तक्षक और पिंगल पाताल लोक के राजा बने। कालांतर में क्षीर सागर में पहुंचने के बाद शेषनाग ने भगवान विष्णु को शैया बनकर सेवा दी। आज भी शेषनाग को भगवान विष्णु के सेवक के रूप में जाना जाता है। चित्रों में भी भगवान विष्णु शेषनाग पर ही लेटे नजर आते हैं। मान्यता है कि शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ कई अवतार लिए हैं। त्रेता युग में जहां वो राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए, तो वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण के भाई बलराम बने। धरती के बोझ को उन्होंने अपने फन पर लेने की भी कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है कि एक बार भगवान विष्णु ने शेषनाग से कहा कि पृथ्वी हमेशा हिलती रहती है, ऐसे में आप इसे अपने फन पर कुछ ऐसे धारण कर लो कि ये स्थिर हो जाए। मान्यता है कि तभी से शेषनाग पृथ्वी के बोझ को अपने फन पर उठाए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता को जल चढ़ाने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। नाग देवता भगवान शिव के पसंदीदा गणों में से एक हैं। ऐसे में इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। नाग पंचमी पर पूजा के लिए सामने के दरवाजे के दोनों ओर 8 नागों की मूर्तियां रखें। हल्दी, रोली, चावल, घी, कच्चा दूध, फूल और जल अर्पित करें और नाग देवता की पूजा करें। इस दिन विधान के अनुसार एक दिन पहले बनाए गए पकवानों का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा शिवालय में तांबे के सांप की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव की गर्दन में सुशोभित हैं। सेवा के बाद नाग देवता की आरती करें और बैठकर नाग पंचमी की कथा पढ़ें। नाग देवता की पूजा से घर में धन आगमन के स्रोत बढ़ते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करने से मनुष्य के सारे काम सफल होते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि का स्वामी नाग देवता को माना गया है, इसलिए नाग पंचमी पर नाग पूजा, व्रत और कथा पढ़ने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है।
नाग देवता की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है।